आई लव यू यार, मैं इस ट्यूशन में सिर्फ तुम्हारे लिए लगा हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। And I love you. कि तुम मुझे प्यार करते हो और मेरी बहन तुमसे। आप में से कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपने किसी से प्यार किया हो और उसके बदले में उस इंसान ने आपसे प्यार ना किया। तो ऐसी एक कहानी लेकर आपके रूबरू होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ट्रेलर देख लिया, अब पूरी सीरीज देखना। बहुत मजेदार कहानी लेके हैं आप सबके लिए। आपसे एक बात करनी थी। आप सब अपने चेहरे को लेकर बहुत चिंतित रहते होंगे ना कि हमारा चेहरा बिल्कुल गोरा दिखना चाहिए, एक्ने और पिंपल नहीं होने चाहिए। उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे आप, फेस क्रीम, फेस मास्क वगैरह वगैरह, ताकि हम गोरे दिखें, एक्ने पिंपल चले जाएं। लेकिन रिजल्ट क्या मिलते हैं आपको? जीरो। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोस्टैक का ये प्रोडक्ट, जो कि सच में नेचुरल और इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसके अंदर हल्दी ऑयल, एलोवेरा और बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स हैं जो हमारे फेस पे अब्जॉर्ब होके फेस के अंदर जाते ही हमारे फेस को ग्लोइंग बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करना है। सिंपल है, आपको सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स लेनी है अपने हाथ पे लाइक दिस और अपने चेहरे पे अप्लाई करना है पूरे 2-3 मिनट के लिए। देखो, इस प्रोडक्ट को मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने इसके रिजल्ट्स खुद देखे हैं। अब इसको अप्लाई किए हुए थोड़ी देर हो चुकी है, तो अब क्या करेंगे, हम फेस वॉश करेंगे। और मैं अपना फेस वॉश यूज करता हूँ मोस्टैक के ओशियन फेस वॉश के साथ। गाइस, फेस वॉश के रिजल्ट्स क्या है बताऊँ, आप पहले का और अब का फर्क खुद ही देख सकते हो। पर्सनली ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है यार, मतलब मैं इसको दिन में 2 बार यूज़ करता हूँ और जब इसको अप्लाई करता हूँ ना, अपने फेस धोता हूँ इससे, जब कसम से यार, जो इसकी खुशबू आती है, जो मुझे फ्रेश फील होता है ना, आई कैन टेल यू। ये फेस वॉश मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें है लिकोरिक एंड सैलिसिलिक, जो कि हमारे फेस की एक्ने पिंपल को दूर कर देता है और जड़ से ख़त्म कर देता है। यार ये दोनों प्रोडक्ट ना कसम से हमारी फेस की क्वालिटी के लिए धमाल प्रोडक्ट हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करने चाहिए अपने फेस को अच्छा दिखाने के लिए। अब आगे त्यौहार आ रहे हैं तो ज़रूर बाय करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलो इस सीरीज़ का पहला एपिसोड एंजॉय करते हैं बिना किसी ब्रेक के। अरे यार, कब तक वन साइड लवर बना रहूँगा यार मैं। अपने को भी चाहिए ना यार किसी की लड़की। हाँ यार, इसका चेहरा देख के ना ऐसे लगता है कि ये प्योर लव है, प्योर लव। मतलब इसको देख के ऐसी फीलिंग आती है, शी इज परफेक्ट फॉर मी। अबे सस्ते रोमियो, इतनी छोटी सी बात पर गब्बर सिंह भी किसी को गोली नहीं मारता था। जितनी छोटी सी बात पर आजकल की लड़कियाँ ब्लॉक मार देती हैं, हमको मारती है हर रोज, मालूम है। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर से भैया दूर। तू नहीं समझेगा भाई, इस लड़की के साथ ना मेरी बहुत लंबी कहानी है। मुझे ना कभी इसको ना थिएटर में फिल्म दिखानी है यार, ड्रीम है। तो कभी शॉपिंग भी करवानी है और तो कभी एक छोटी सी फैमिली भी बनानी है इसके साथ। सच्ची यार, तुझे प्यार हो गया इससे? अरे हाँ यार, सच में सच्चा प्यार करता हूँ मैं इससे। मतलब शिद्दत वाली मोहब्बत है मेरी। मतलब ये नहीं है मूवी फिल्मों में दिखाते हैं कि एक लड़के को पहली बार देखा और प्यार हो गया। ना 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 ना, पिछले 6 महीने से देखता आ रहा हूँ कौन से डे में कौन से कलर की ड्रेस पहन के, सब मालूम है मुझे। बहुत स्टॉक करता हूँ इसको। यार कोई रास्ता ढूंढना भाई, किसी तरीके इसके करीब आ पाऊँ। तू तो लड़कियों में वैसे ही बहुत तेज है। अबे इसकी बहन का जरूरी। अरे वो तो है। हाँ। अबे इसकी बहन का ट्यूशन सेंटर है, अगर तू उसकी बहन के पास ट्यूशन लग गया तो इससे तेरी बात स्टार्ट, और ये बन जाएगी मेरी भाभी और तेरी निकल जाएगी लॉटरी। अरे एक नंबर आइडिया दे दे तूने तो।
देखा तुझे तो ऐसा लगा, चाहत का जादू दिल में जगा, खुशबू हवाओं में घुल गई, धड़कन को आशिकी मिल गई, तबीयत मचल 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 गई। रिद्धि कौन है ये? पता नहीं दी, इतनी देर से पूछे जा रही हूँ, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, आके खड़ा हो गया बस। आप ही ट्यूशन क्लासेस देते हो ना? मैंने ना बाहर बोर्ड देखा था, वहाँ पे लिखा था होम ट्यूशंस। एक्चुअली ना मुझे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, उसी के लिए मैं बात करने के लिए आता आपसे। ओके, एक काम करो, मेरा नंबर ले जाओ, अभी तो मेरी क्लास चल रही है, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करना, फिर मैं आपको सारी डिटेल्स देती हूँ, कब आना है, क्या टाइमिंग से। ठीक है? ठीक है, बोलिए। 9999666611। ओके ठीक है, मैं मुझे डिटेल शेयर कर देना, मैं फिर जल्दी ज्वाइन करता हूँ। यार आज तक उसको 500 गज की दूरी से देखता था मैं, आज बिल्कुल एक ही गज के अंदर खड़ी थी मेरे सामने। कसम से सांसें अटक गई थी, जैसे बंटे वाली बोतल में बंटा। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में, तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में जवाबों में सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में, क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है, बेटे खाना खा लो। हाँ। रोहन खाना खा लीजिए। चूतिया बहुत ज्यादा हो रहा है। जी मम्मी खाऊंगा, बना दो। आज किसी नए शख्स से पहली बार मुलाकात हुई और तभी से दिल में उसको दोबारा देखने की तलब लग रही है। ये तो मुझे मिला था आज, कहीं मेरे बारे में तो नहीं लिख रहा है। मैं भी ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। वो ट्यूशन क्लासेस के लिए आया था, आज पहला दिन था मेरे ज्वाइनिंग का, और टीचर हैं? हाँ है ना मैडम, अंदर ही चाहिए। अच्छा थैंक यू। हो रहे दीवारी दीवार
कितना हैंडसम है ये लड़का। हाय मैम। हाय, प्लीज कम। माय सेल्फ रोहन, कल बात हुई थी ना हमारी ट्यूशन क्लास के लिए। हाँ आई नो, बैठो। वैसे तो मेरे सारे बैचेस फुल रहते हैं, पर कोई नहीं, तुम्हें मैं स्पेशल क्लासेस दूंगी। ओह थैंक यू मैम, हम काफ़ी टाइम से ना कोई अच्छा ट्यूशन टीचर नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या है ना कि स्कूल के बाद थोड़ा घर में दिक्कत हो जाती है क्लासेस की, इस वाले चैप्टर्स में डाउट हो रहे हैं मेरे को मोस्टली। ओके यार, मेरे व्हाइट शूज कहाँ हैं, इतनी देर हो गई मुझे ढूंढते हुए, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। What is this? Sorry. इज क्या लगे, झटका सा है इज के। One second. कांता, एक ग्लास पानी लाना। आई मैम साहब। मैं पिलाऊं क्या साहिब? थैंक यू। और कुछ चाहिए क्या? थैंक यू। सामने जब तक हो, अरे रे अरे क्या हुआ, कोई ना पहचानो, अरे रे अरे बनता है तू। चलो आज का इतना ही, कल लेते क्लास। कल? आज ही करवा दो ना, मन नहीं है इतनी जल्दी जाने का। हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि काफ़ी टाइम से कोई अच्छा ट्यूशन वाला नहीं मिल रहा ना, आपको बोला ही तो था, इसलिए मन कर रहा है कि थोड़ा और पढ़ो। अगर एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लोगे तो सर के ऊपर से निकलेगा। ठीक है, कल आता हूँ फिर मैं। कल किस टाइम आना है? सेम टाइम। ओके। उस दिन उसने अजीब सा स्टेटस डाला और फिर अजीब तरीके से मेरा हाथ भी पकड़ा और बोला कि मैं घर नहीं जाऊंगा। रोहन, मैम रंगने वाली परी हो या हो परियों की। एक्सक्यूज मी, वो मैं काफी देर से दरवाजे पे खड़ा हूँ, टीचर कहीं दिखाई नहीं दे रहे आज। ओ वो एक्चुअली दीदी ना कहीं बाहर गए हैं, वो बस 15 मिनट में आते होंगे, आप बैठ जाओ। कुछ चाहिए आपको? कुछ दूं मैं आपको? हाँ नहीं, आपकी एज क्या है? हाँ नहीं, वो मतलब आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हो ना कि आप बैठ जाइए, आपको कुछ चाहिए? हो सकता है मैं आपकी उम्र से थोड़ा छोटा ही हूँ, आप मुझे खामखा इज्जत देते जाओ। अरे नहीं, मैं सबको इसी तरह से बुलाती हूँ, वैसे आई एम 22। नहीं फिर तो बिल्कुल ठीक इज्जत दे रहे हो मुझे, क्योंकि मैं 23 का हूँ। अरे दीदी आ ही गए, आ जाओ। सॉरी यार, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। अरे फंसे रहते निकले ही क्यों, आज इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा मौका मिला था थोड़ा क्लोज आने का, आपने फिर से दूर कर दिया। पोस्ट ऑफिस पहले पास था, मंगल बाजार शिफ्ट हो गया तो दूर कर दिया, कुछ पोस्ट करने गई थी। खैर छोड़ो, चलो स्टार्ट करें।
वो कल वाला तो मैं याद कराया, लेकिन उसके आगे का थोड़ा समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उसका थोड़ा समझा दो, क्योंकि ये तो सॉल्व हो गया था, लेकिन उसमें लगता है कुछ अलग फॉर्मूला यूज होगा, उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दो। कौन सा, ये वाला? हाँ 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 जी, नहीं हाँ ये वाला। ये वाला दोबारा से रिपीट करना है यहाँ पे, ठीक है? ओके। क्या हुआ? हाँ, पेट पेट में दर्द हो रहा है यार, बहुत जोर से, सुबह से कई बार वॉशरूम जा रहा है, पता नहीं क्यों सुबह से पेट दर्द हो रहा। आ क्या हुआ, दोबारा हुआ? नहीं, कॉल आ रहा है किसी का। अच्छा, फ्रेंड का कॉल है, दो मिनट बात करके आया। हाँ भाई, वाह, अपना काम बनता, पप्पू का कुल्चे खाई जनता। अरे साले, पप्पा को भूल गया क्या? अभी वही पिताजी, अभी भी ट्यूशन क्लास में हूँ मैं तेरे को बाद में कॉल करता हूँ बाहर जाके, ठीक है? बाय। अबे रुक 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 रुक। अच्छा ये बता, भाभी से बात आगे बढ़ी या नहीं? अरे नहीं भाई, ट्यूशन किसके लिए लगाऊँ, इसी के लिए तो लगाऊँ साले, बात तो आगे बढ़ रही है यार, फीलिंग्स तो क्रिएट हो रही है, मुझे लग रहा है बन जाएगी बात। अभी मेरे को ना ऐसा लगता है कि उसके अंदर भी ना फीलिंग क्रिएट हो रही है, मुझे खाली लग रहा है, मतलब डाउट हो रहा है मुझे, हो सकता है ऐसा ना भी हो, बट होप फॉर द बेस्ट, आगे होने लग जाए, फीलिंग्स आने लग जाए इनसे। अबे यार, तुझे एक बात बोलूं, मैं तो कहता हूँ अच्छा सा मुहूर्त देखे ना, उसको डायरेक्ट प्रपोज कर दे। अबे ओए पागल नहीं हूँ मैं, ठीक है, एकदम से प्रपोज कर दूंगा ना, जो यहाँ तक पहुँचा वो भी पीछे चला जाऊंगा मैं। मान लो भाभी को बुरा लग गया तो घर में क्लेश खड़ा कर दिया, तो हो सकता है मैडम मुझे ट्यूशन से बाहर ही निकाल दे, पर पागल ये काम थोड़ी ना करूंगा मैं। आज तेरे भाई ने भी येलो कलर पहना है और तेरी भाभी भी येलो कलर पहन के आई थी, मतलब भगवान देख रहा कैसे खेल रहा है हमारे साथ, रब ने बता दी जोड़ी कसम से। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रही थी, ये रोहन मुझे पसंद करता है, बट यार कि कैसे हो रहा है कि मैं भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, ही इज माय स्टूडेंट यार। बाय। हे भगवान, मेरा इस घर में आने का मकसद पूरा कर दो बस, कैसे भी रिद्धि को मेरा बना दो। तो अगला एपिसोड कुछ ही दिनों में आ जाएगा, और हाँ, आगे आगे कहानी और भी ज़रा दिलचस्प होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए, और मस्टैक का स्किन लाइटिंग ऑयल और फेस वॉश ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।